लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं हितेन्द्रियंबोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी पुरत भवन आए गिरिराई सकल सहल सर लिए बुलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा की नहीं मवाना जब शंभु कैला संयाए सुर सब निज निज लोक सिधाए जगत मात पितु शंभु भवानी ते सिंगार न कहो बखानी करई विविध विधि भोग बिलासा गण समेत बसई कैलासा हर गिरिजा बिहार नित नय हो ए विधि विपुल काल चल गय हो तब जन में उठ बदन कुमारा तारक असुर समर जय मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषा कतु महा ते हेतु में बृषकेत सुर कर चरित संक्षेप कहा यह उमा सम विवाह जे नर नारि कहें जगावई कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई चरित सिंधु गिरजार मन बेदन पावई पारु भरने तुलसीदास की अति मति मंदु गमारु शंभु चरित सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुलाल स कथा पर बाड़ी नैन नीर रुमावली ठाड़ी प्रेम बस मुख आवन बानी दशा देखि हर्षे मुनि ज्ञानी अहो धन्य तब जन्म मुनि सा तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरी सा शिवपद कमल जिनहि रति नाही राम ते सपने उन सुहाई बिन छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लचन एहु शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिनु अगत जी सती असिनारी मुनि करे रघुपति भगत दिखाई को शिव सम राम ही प्रिय भाई प्रथमय में कही शिव चरित पूजा मरम तुम्हार सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार मैं जान तुम्हार गुण री शीला हम सुनु अब रघुपति लीला सुन मुनि आज समागम तोरे कहिन जाए जसु सुख मन मोरे राम चरित अति अमित मुनीसा कहिन स कहिन सत कोटि अहिसा तदपि जथा सुत कहउ बखानी सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी सारद दारु नार सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी हे पर कृपा करहिं जनु जानी कबीर अचिर न चावहि बानी प्रणम सोई कृपाल रघुनाथा बरनउ बिसद तास गुन गाथा परम रम्य गिर बरु कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु सिद्ध तपोधन जोग जन सुर किन्नर नुनि बृंद बसई तहां सुकृति सकल सेवई सुख शिव सुख कंद हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर सपने उन्हें जाही ते गिरि पर बट बिटप विशाला तनु तन सुंदर सब काला त्रिभुज समीर सुशी तल छाया शिव विश्राम बिटप सुति गाया एक बार ते तर प्रभु गयो तरु बिलो की ओर अति सुख भयो निज कर डासी नागरि पुछाला बैठे सहज शंभु कृपाला कुंद इंदु धर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा तरुण अरुण अम्बुज सम चरना नकदुति भगत हृदय तम हरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी अनुसरद चंद छबिहारी जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विदुभाल बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे पार्वती बल अवसर जानी गई शंभु पई मातु भवानी जानी प्रिया आदर अति कीना बाम भाग आसन हर दीना बैठी शिव समीप हर साई पूर्व जन्म कथा चित आई पति ही हेतु अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रिय बानी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन च सहेल कुमार विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदत तुम्हारी चर हर वचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग निधि प्रंत कल्प तरुनाम जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि जानिय सत्य मोहि निज दासी तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना कहि रघुनाथ कथा विधि नाना जासु भवन सुर तरु तर होई
सैक दरिद्र जनित दुख सोई शशिभूषण हृदय बिचारी हरौ नाथ मम मति भ्रम भारी प्रभु जे मुनि परमारथ बाधि कहें राम कहूँ ब्रह्म अनादि शेष शारदा वेद पुराना सकल करहीं रघुपति गुणगान तुम पुनि राम राम दिन राति सा दर जपौ अनंग अराति राम शबद निपति सुत सोई की अज अगुन अलक गति कोई जो निपत नयन ब्रह्म किमी नारि बिरह मति भोरी देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी जो अनीह व्यापक विवको कहो बुझाय नाथ महिषो अज्ञ जान निरस उरजनी धरहु जय विधि मोह मिटे सोई करहु मैं बनदीक राम प्रभुताई अति भय विकल तुम्हें सुनाई तदपि मलिन मन बोधन आवा सो फल भली भांति हम पावा अजहूं कछुक संशय मन मोरे करो कृपा बिनमो कर जोरे प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा ना तो समुझ करहु जनि क्रोधा तब करस विमोह बनाही राम कथा पर रुचि मन माही कहो पुनीत राम गुण गाथा भुजग राज भूषण सुरनाथा बंदौ पद धरि धरन सिरो विनय करम कर जोरी वरनौ रघुबर बिशद जसो सिद्धांत निचोरी जदपि जोशिता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम बचन तुम्हारी गूढ़ौ तत्वन साधु दुरावई आरत अधिकारी जह पावई अति आरती पूछऊ सुरराया रघुपति कथा कहूं करिदाया प्रथम सुकारन कहूं बिचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा बाल चरित पुनि कहूं उदारा कहो जथा जानकी विवाही राजत जासो दूषण काई बन बस किन्ने चरित अपारा कहो नाथ जिमि रावण मारा राज बैठ की नी बहु लीला सकल कहो शंकर सुख सीला भौरि कहो करुणायतन किन्न जो चरद राम प्रजा सहित रघुवंश मनी किमि गवने निज धाम पुनि प्रभु कहो सुतत्व बखानी जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी भगत ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब भरनों सहित विभागा और राम रहस्य अनेका कहो नाथ विमल विवेका जो प्रभु में पूछा नहीं होई सो दयाल राखो जनिको होई तुम त्रिभुवन गुर भेद बखाना आन जीव पावर का जाना प्रश्न उमा के सहज सुहाई चल भीन सुनि शिव मन भाई हय हर हिय रामचरित सब आये प्रेम पुलक लोचन जल छाये श्री रघुनाथ रूप और आवा परमानंद अमित सुख पावा मगन ध्यान रस दंड जुग मन बाहर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्ष भरने लीन झूठे सत्य जाय बिनु जाने जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने जय जाने जग जाय हराई जागे जथा सपन भ्रम जाय बंदौ बाल रूप सोई राम सब श्री सुलभ जपत जिसु नामो मंगल भवनय मंगल हारी द्रभु सुदसरत जिर बिहारी करि प्रणाम रामायण त्रिपुरारी हर सुदास गिराउचारी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान को उपकारी पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा तुम रघुबीर चरण अनुरागे किन्न प्रश्न जगत हित लागी राम कृपा ते पार्वती अपने तव मन माही शोक मोह संदेह भ्रम विचार कछु नाही तदव शंका किन्न सोए कर सुनत सब कर हित होई इन हरि कथा सुनी नहीं काना सब नरेंद्र अय भवन समाना नयन संत दर्श नहीं देखा लोचन मोर पंग कर लेखा हे सिर कटु तुम बरे समतूला जे नमत हरि गुरुपद मूला जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी जीवत सम सव समान ते प्राणी जो नहीं करे राम गुणगाना जी सुधा दुर जी समाना उसी कुलिस कठोर निर सोई छाती सुनि हरि चरितन जो हर साती गिरजा सुनो राम के लीला सुरहित धनुज विमोहन शीला राम कथा सुरधेन सम सेवत सब सुख दानी सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ाव निहारी राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी राम नाम गुण सरित सुहाय जन्म करम अगणित स्तुति गाये तथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुणगान गुणाना तदपि कथा चदप तदपि जथा सुत जसिमति मोरी कहूं देख प्रीति अति तोरी उमा प्रश्न तव सहज सुहाय सुखद संत सम्मत मोहि भाई एक बात नहीं मोहि सुहानी यद्यपि मोह बस कहो भवानी मुझ कहा राम को वाना जय सुति गाव धरहि मुनि ध्याना कहाय सुनहि अस अधम नर गसे जे मोह बिसाच पाखंडी हरि पद विमुख जाने झूठन साच अज्ञ को अकोबिद
अंधभागी काई विषय मुकुर मन लागी लंपट कपटी कुटिल विषय की सपने संत सभा नहीं देखी। कहते वेद असम्मत बानी जिनके सुजलाव नहीं हानि मुकुर मलिन अरुणयन विहीना राम रूप देखें किम दीना जिनके अगुन सगुन विवेका जल पई कल्पित वचन अनेका हरि माया बस जगत घुमाई किनै कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले बचन बिचारे जिन कृत महा मोह पद पाना तिन कर कहा करिय नहीं काना। अस निज हृदय बिचारी संशय भजु राम पद सुन गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर बचन मम सगुन अगुन नहीं कछु भेदा गावय मुनि पुराण बुध भेदा अगुन रूप लक सोई अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सोई जो गुण रहित सगुन सोई कैसे जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा तेहि किमि कहि अभिमोह प्रसंगा राम सच्चिदानंद नेसा नहीं तम मोह विशाल वलेसा सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तम पुनि विज्ञान बिहाना रस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अमिति अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ रघुकुल मनि मम स्वामी सोई कहि शिव नायम मात निज ब्रह्म नहीं समझई अज्ञानी प्रभु परमो धरहि जड़ प्राणी तथा गगन घट घन पटल निहारी झापे भानु कहि कुबिचारी चितवज लोचन अंगुलि लाए प्रकट जुगल सचि तहिके भाये उमा राम विषय कोहा नवतम धूम धूर जिमि सोहा विषय कर्ण सुर जीव समेता सकल एक थे एक सचेता सब कर परम प्रकाश जोई राम अनादि अवधि सोई जगत प्रकाश प्रकाश कराम मायाधीश ज्ञान गुण धाम जा सत्यता ते जड़ माया भा सत्य व मोह सहाया भजत सीप मोह भास जिमि जथा भान कर बारी जद मृका त्यों काल सोई भ्रम सकई कोटारी यही विधि जग हरि आस्त गहि यद्यपि जदपि असत्य देत दुख हई जो सपने सिर काटे कोई बिनु आगे न दूरी दुख होई जास कृपास ब्रह्म मिट जाई गिरजा सोई कृपाल रघुराई आदि अंत को जास नु पावा मति अनुमान निगम हस गावा बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु मानी मुक्ता बड़ जोगी धन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही घ्रान बिनु बास असेसा अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जास जाय नहीं भरनी जय मिगावई भेद बुध जाय धरई मुनि ध्यान सुदसस्त भगत हित कौशल पति भगवान काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करम बिशोकी सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सबके और अंतर जामी विवसम जासु नाम नर कहई जन्म अनेक रचित अगदई सादर सुमिरन जय नर कह रही भव बारिद गोपद इव तरही राम स परमात्मा भवानी जय ब्रह्म अति विभीत अभिभीत तव बानी असंशय आनत रमाही ज्ञान विराग सकल गुण जाही सुनि शिव के ब्रह्म रंजन रचना मिट गए सब कुतर्क के रचना भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण असंभावना बीति पुनि प्रभुपद कमल गही जोरि पंकर हुआ पानी बोले गिरजा बचन भर मनो प्रेम रसानी शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी मिटा मोह सुरदा तप भारी कृपाल सब संसव हरेउ राम स्वरूप जानि मोहित परेउ नाथ कृपा अब गयो विषादा सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा अव मई आपन किंकर जानी यदपि सह जड़ नारियानी प्रथम जो मैं पूछा सोई कहो जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहो राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर पुरवासी नाथ धरेउ नरतन के हेतु मोहि समझाओ कहो वृषकेतु उमा बचन सुनि बचन विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता ये हर से काम आरितब शंकर सहज सुजान बोविद मई प्रसन्न सुनी पुनी बोले कृपा निधान सुन सुबस कथा भवानी रामचरित मानस विमल कहा वसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़ सो संवाद उदार जे विद भा आगे कहब सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ हरिगुण नाम अपार कथा रूप गणित अमित मैं निज मति अनुसार कहूँ मां सादर घन हो सुन गिरजा हरिचरित सुहाये विपुल विशद निगमा गम गाय हरि अवतार हेत जय होई इद मिथ्यम कहिजा इन सोई राम तर्क बुद्धि मन भानी मत हमारा सुनई सयानी तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहई समति अनुमाना
तसमय सुमुखी सुनावो तो ही सुमुखी परे जस कारण मोही जब जब होई धर्म के हानि बाड़े सुरधम अभिमानी करई अनित जाय नहीं बरनी सीधई विप्रधेन सुर धरई तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरई कृपान सज्जन पीरा असुर मारि थापै सुरन राखे निज सुति सेतु जग विस्तारे विस्तर जस राम जन कर हेतु सोई जस गाय भक्ति भवत रही कृपा सिंधु जनहित धन तरही राम जन्म के हेतु अनेका परम विजित एक तेका जन्म एक दुई कहूं बखाने सावधान सुन सुमति भवानी द्वार पार हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको विप्र श्राप ते दूनो भाई तामस असुर देह तिन पाई कनक सिपुरु आटक लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन विजय समर वीर विख्याता धरि बराह बपु एक निपाता ओई नरहरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा भय निशास जायते महावीर बलवान कुंभकर्ण रामन सुबट सुर विजयी जगजान मुगतन भय हते भगवाना तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना एक बार तिनके हित लागी धरेउ शरीर जगत अनुरागी कश्यपदित तहां पित माता जस कौशल्या विख्याता एक कल्पई भा हे विधि अवतारा चरित पवित्र के संसारा एक कल्प सुर देख दुखे दुखारे समर जलंधर तन सब हारे सम्मुखीन संग्राम अपार धनुज महाबल मरई मारा परम सती असुराधि पनारी तई बल तायन जितई पुरारी छल करी टारि उतासु व्रत तब सुर कार्य दीन तब जनम तब तही जाने मरम तब श्राप को कर दीन तासु श्राप हरि दीन प्रणाम प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवान तहां जलंधर रावण भयो रनहति राम परम पद दयो एक जन्म कर कारण एहा जहि लगि राम धरि नर देहा प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बरनी कबिन घनेरी नारद श्राप दीन एक बारा कलप एक तई लगी अवतारा गिरजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना या प्रसंग मय कहो पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ कोई जही जस रघुपति करही तब जब सो तस तेई छन होई कहो राम गुणगात भरद्वाज सादर सुनहु भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मद हिमगिरि गुहा एक अति पावनी व समीप सुरसरी सुहावनी आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देवऋषि मन अति भावा निरग शैल सरी विपिन विहंभागा भयो रमापति पद अनुरागा स्मृत हरि श्राप गति बाधि सहज विमल मन लाग समाधि मुनि गति देख सुरेश डराना काम ही बोल कीन सनमाना सहित सहाय जाओ मम हेतु चले हर से ही जल चर केतु सुना सीर मन महु असी त्रासा जगत देव ऋषि मम पुरबासा ये कामी लोलुप जगमाई कुटिल का कहीव सब डराई सुख हाण ले भाग सठ स्वा निरके मृगराज छीन ले जन जान जड़ तिमे सुरपति न लाज तही आश्रम मदन जब गय निज माया बसंत निर्मय सुमित विविध बिटप बहुरंगा को जय कोकिल गुंजय भृंगा चले सुहावन त्रिविध बयारी काम कसान बड़ा निहारी रंभाधिक सुर नारी नवीना सकल समसर कला प्रवीणा करें गान बहुतान तरंगा बोविध क्रीड़े पानी पतंगा देख सहाय मदन हरसाना इन सिपुनि प्रपंच विधि नाना काम कला कछु मुनीन व्यापी निज भय डरेउ मनोभव पापी सीम कि चापि सकल को तासु बड़ रखवार रमापति जासु सहित सहाय सभी दयति मानिहारि मन मैन गहस जाय मुनि चरण तब कही सुटी हारत बैन भय उन नारद मन कछु रोसा कही प्रिय वचन काम परितोषा नाय चरण सिर आयस पाई गयो मदन तब सहित सहाय मुनि सुशीलता आपनि करनी सुरपति सभा जाय सब बरनी सुनी सबके मन अथवा मुनि प्रशंसई हरि सुनावा तब नारद गवने शिव पाई पिता काम अहमति मन माई मार चरित संकर सुनाए अति प्रिय जानि महेश सिखाए बार बार बिनो मुनि तोही तिमी कथा सुनाय मोही तिमी जनि हरि सुनावो कबहु तलव प्रसंग दुरायो तबहु संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहान भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान राम कीन चाहई सोई कोई करे अन्यता अस नहीं कोई सम बचन मुनि मन मनि नहीं भाए तब बिरंच के लोक सिधाए एक बार करतल बरबीना गावत हरिगुण गान प्रवीना तीर सिंधु गवने मुनिनाथा जहाँ बस श्रीनिवास सुति माता
हर सिमले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले भैंस चराचर राया, बोते धिरन की नि मुनि दाया, काम चरित नारद सब भाके, जत प्रथम बरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जैन मोह असगो जग जाया, रूख बदन करे बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान, सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ध्यान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मद धीरा, तुम्हें करे मनोभव पीरा, नारद कहे रहित भगवाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख दुख बिचारी, पुर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी, बेगिसो मैं डारी हम उखारी, पर हमारे सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई, तब नारद हरि पद सिरनाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन कर नीत केरी, बिरचो मग मऊ नगर तही, सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, बसई नगर सुंदर नर नारी, जन भो मन रति तंधारी, तही पुर बसई श्री निध राजा, अग्नित है गय सेन समाजा, सुरेश सम विभव विलास, रूप तेज बल नीत निवास, विश्व मोहिनी दास कुमारी, श्री विमो जिसु रूप निहारी, सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा ताज की जाय बखानी, करे स्वयंवर सो निप बाला, आये तह अगंत मही पाला, मुनि कौतिकी नगर तही गयो, पुरवासी ने सब पूछत भयो, सुनि सब चरित भूप गृह आये, करि पूजा निप मुनि बैठाए, आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दो सब एक हृदय बिचारी, देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण ताश बिलो के भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने, जो ही भरई अमर सोई होई, समर भूमि तेई जीतन कोई, सेवई सकल चरा चरताई, बरई सील निधि कन्या जाई, लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाके, तासु लक्षण कई निप पाई, नर चले सोच मन माई, करो जाय सोई जतन विचारी, ये प्रकार मोहि भरे कुमारी, जप तप कछु न होई तेई काला, ए विधि मिलई कवन विधि बाला, ए अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की री जय कुमारी तब मेले जय माल, हरि सन मांगो सुंदरताई, होई है जात गहरो अति भाई, मोरे हित हरे सम नहीं को, ए अवसर सहाय सोई हो, गोविंद बनय कीन तेई काला, प्रगट प्रभु पुत्री कृपाला, प्रो बिलो की मुनि नैन जड़ाने, होई है काज हुए हरसाने, अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करी हो सहाय, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पावो होही, हे विधिनाथ हो हित मोरा, करम सुबीक दास में तोरा, निज माया बल देख विशाला, यह हसी बोले दिन दयाला, हे विधि हो परम हित, नारद सुनो तुम्हार, होई सोई हम कर बन आन, कछु वचन मृखा हमार, उपथ महागरुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनो मुनि जोगी, हे विधि हित तुम्हार मैं ठयो, कही अस अंतर हित प्रभु भयो, माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझे नहीं हरि गिरा भी निगूढ़ा, गवने तुरत तहार दृष्टि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई, निज आसन बैठे राजा, बोबनाव कई सहित समाजा, मुनि मन रुहरस रूप अति मोरे, मोहित जिहा नहीं भरहिन भोरे, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना, सो चरित्र लगी काहु न पावा, नारद जानी तबहिं स्थिर नावा, रहे तहां दुई रुद्र गण, ते जानहि सब भेउ, विप्रवेक देखत फिरहि परम कौतिक तेउ, जे समाज बैठे मुनि जाय, हृदय रूप अमिति अधिकाई, तहां बैठे महेश गण दो, विप्रवेक गति लखइ न को, करहि कोटि नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई, विजय राजकुमारी छवि देखी, नहीं बरही हरि जान विषेकी, मुनि मोह मन हाथ पराए, हसै शंभु गण अति सच पाए, यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समझन परै बुद्धि ब्रह्मसानी, काउन लखा सुचरित विषेका, सो स्वरूप निप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देहि, देख हृदय क्रोध भाते, सखी संगले कुमरित भ चले जनु राज मराल, देखत फिरै महीप सब कर सरो जय माल, जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते न बिलो न भूली, पुनि पुनि मुनि उक सही सकुलाई, देख दिशा हर गन मुस्काई, धरिन रिप तनु तह गयो कृपाला, कुमारी हरसी में लेव जय माला, बुलहिने लय गे लक्ष निवासा, निप समाज सब भयो निराशा, मुनि अति बिकल मोहमति नाठी, मनि गिरी गई छोटी जनु गाठी,
तब हर गण बोले मुस्काये निज मुख मुकुर बिलोक उजाई अस कह दो भागे भय भारी बदन अधिक मुनि बारी निहारी बे खुबिलोक क्रोध अति बाढ़ा तिने सराप दीन अति गाढ़ा ओ निशाचर जाय तुमा कपटी पापी दो हसे हमई सो ले फल बहुरी हसे मुनि को मुनि जल दीक रूप निज पावा तदप हृदय संतोष नयावा प्रकट अदर कोप मन माही सदप सपदी चले कमलापति पाही देहों श्रापिक मरियों जाई जगत मोरी उपहास कराई बीच पंत मिले दनु जारी संगरमा सोई राज कुमारी बोले मधुर बचन सुरसाई निका चले बकल की नाई सुनत बचन उपजा अति क्रोधा माया बस नरहा मन बोधा पर संपदा सकौ नहीं देखी तुमरे ईर्षा कपट विषेकी मद सिंधु रुद्र भौराय सुरन प्रेर विषपान कराय असुर सुरा विष शंकर ही आपुरमा मुनि चारु स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु परम स्वतंत्र सिर पर कोई भावई मनई करो तुम सोई भले मंद मंदई भल करो विषमय हर सन ही कछु धरो डहकी डहकी परिचय सब काहु अति असंक मन सदा उछाओ करम सुभा सुभ तुम्हें न बाधा अब लगी तुम्हें न काहु साधा चले भले भवन अब भाय न दीना पाव हुगे फल आप न कीना बंचे मोहि जवनी धरि देहा सुतन धरो श्राप मेहा कपियाकृत तुम कीन हमारी करी है की सहाय तुम्हारी मम पकार कीन तुम भारी नारी बिरह तुम हो दुखारी श्राप शीष धरि हरस्य प्रभु बहु विनती कीन निज माया के प्रबलता करस कृपा निदिलीन जब हरि माया दूरी निवारी नहीं तह रमान राज कुमारी तब मुनि अति सभीत हरि चरना भय पाए प्रंतार्थि हरना लिखा हो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कह मुनि पाप मिटई किम मेरे जपो जाय शंकर सतनामा वही है हृदय तुरत विश्रामा को नहीं शिव समान प्रिय मोरे असी परती सजो जनि भोरे जय पर कृपा न करहिं पुरारी सोन पाव मुनि भगति हमारी असौर धरे मही बिचरउ जाई अवन तुम्हें माया नियराई बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर ध्यान सत्य लोक नारद चले करत राम गुणगान हर गण मुनि जात पद देखी विगत मोह मन हर्ष विषेकी सभी नारद पहियाए गई पद आरत बचन सुनाए हर गण हमन विप्र मुनिराया बड़ा अपराध कीन फल पाया श्राप अनुग्रह करो कृपाला बोले नारद दीन दयाला निश्चर जाओ हो तुम दो भय वो विपुल तेज बल हो बुझ बल विश्व जितब तुम जहिया धरिय विष्णु मनुज तन तहिया समर मरण हरि से हाथ तुम्हारा कोई हो मुक्त न पुनि संसारा चले जुगल मुनि पद सिर नाई भय निशाचर काल ही पाई एक कलप यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार सुरंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भार यही विधि जन्म करम हरि केरे सुंदर सुखद विचित्र घनेरे कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही चारु चरित नाना विधि करही तब तब कथा मुनीसन गाई परम पुनीत प्रबंधक बनाई विविध प्रसंग अनूप बखाने करे मुनि आचरु सयाने हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुने बहुविधि सब संता रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोटि लग जाहि न गाए यह प्रसंग में कहा भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी प्रभु कौतुकी प्रंत हितकारी सेव सुलभ सकल दुखहारी सुर नर मुनि को नाहि जिन मोह माया प्रबल अस विचार मन माहि भजिए महामाया पति अपर हे तु सुन शैल कुमारी कहो वेद कथा विस्तारी जय कारण अज अगुन अरूपा ब्रह्म भय कौशल पुर भूपा जो प्रभु विपन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि बेका जा चरित अवलोक भवानी पति शरीर रहो औरानी अजउन छाया मिटत तुम्हारी ताज चरित सुन ब्रह्म रुजहारी लीला इन जो तई अवतारा सो सब करियो मति अनुसारा भरद्वाज सुन शंकर बानी सब सपरे मां सकुचानी लगे भोरी बरने बसकेतु सो अवतार भयो जय हेतु सो मैं तुम तन कहूं सबु सुन मुनि से मन लाय राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनि सुहाय स्वायंभु मनु हर सतरूपा जिनते भैर नृप सिष्टि अनुपा दंप धर्म आचरणी का अजऊ गाव सुति जिनके लीका निपोत्तान पाल सुतासु
ध्रुवहरि भगत भयो सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रतताहि वेद पुराण प्रशंस जाहि देवहूति पुनितास कुमारी जो मुनि गरदम हे प्रिय नारी आदि देव प्रभु दीन दयाला धरयो जय कपिल कृपाला सांग साथ जिन प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना तय मनुराज कीन भोकाला प्रभु आय सब विधि प्रतिपाला हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौतपना हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु बर बस राज सुतई तब दीना नार समेत गवन बन कीना तीरत बर नमिष विख्याता अति पुनीत साधक श्रीदाता बसई तहां मुन सिद्ध समाजा तहां ही हरसि चले मनुराजा पंत जात सोहई मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा पहुंचे जाय धीन मति तीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर निपुर सिरानी जहां जहां तीरत रहे सुहाये मुनि सकल सादर करवाए शरीर मुनि पट विधाना समाज नित सुनि पुराना द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपय सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन तिलाग करहिं हार साक फलकंदा स्मिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा मुनि हरि हेतु करन जप करन तप लागे बारि आधार मूल फल त्यागे पुर अभिलाक निरंतर होई देखे नयन परम प्रभु सोई अगुण अखंड अनंत अनादि जय चिंतहि परमारथ बाधि नेति नेति जय भेद अनुरूपा जानंद निरुपाधि अनुपा संबिरंच विष्णु भगवाना उपजय जासवंस ते नाना ऐसे प्रभु सेवक बसहई भगत हेत लीला तन दहई जो यह बचन सत्य सुति भाका तो हमार पूजय अभिलाका यही विधि बीते बरसठ सहस बार यार संबत सप्त सहस्त्र पुनी रहे समीर आहार बरस सहस दस त्याग सो ठाड़े रहे एक पद दो विधि हरि हर तप दे के अपारा मन समीप आये बहुबारा मांगो बरबो भाज लुभाये परम धीर नहीं चले सराये अस्ति मात्र हो रहे समीरी शरीरा तदपि मना गम नहीं नहीं पीरा प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अन्य तापस निपरानी माग माग भरु भय नभवानी परम गभीर कृपा मृत सानी मृतक ज्या मन गिरा सुहाय सवन रंध्र हो पुर जब आई हृष्ट पृष्ठ तन भय सुहाय मानो अभय भवन ते आये सवन सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात बोले मन कर दंडवत प्रेम हृदय समात सुन सेवक सुरतर सुरधेनु विधि हरि हर बंदित पदरेनु सेवत सुलभ सकल सुखदायक ग्रंथ पाल सचराचर लाय नायक जो अनाथ हित हम परनेहु तो प्रसन्न हो या बरदेहु जो स्वरूप बस शिव मन माही जय कारण मुनि जतन कराही जो भुषुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा देखें हम स्वरूप भरिलोचन कृपा करो प्रंतारति मोचन दंपति बचन परम प्रिय लागे दुल विनीत प्रेम रस पागे भगत बचल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना नील सरोर नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजे तन शोभा निरखी कोट कोट सतकाम शरद मयंक बदन छवि सीवा तार कपोल चिबुक धर ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नासा विदुकर निकर विनिंदक हासा नव अंबुज अंबक छवि नीकी चितवनि ललित भावती जी की भ्रिकुटि मनोज चाप छवि हारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केश जनु मधुप समाजा पुर श्री वत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणि जाला के हरि कंदर चार जनेऊ भाव विभूषण सुंदर तेऊ करिकर सरिस सुभग भुज दंडा कटनिशंग कर सरको दंडा तड़ित बिरिंदक पीत पट पुर तड़ित बिरिंदक पीठ पत उदर रेख बरतीन नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भवर छबिचीन पद राजीव बरनि नहीं जाही मुनि मन मधुप बसही जन माही बाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला जासु हंस उपजहि मुन खानी अग्नि तलचि उमा ब्रह्मानी ब्रिकुट बिलास जास जग होई राम बाम दि सीता सोई छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी एकटक रहे नयन पट रोकी चितवई सादर रूप अनुपा तृप्त माने मनु रूपा हरस बिबस तंद सा भुलानी परे दंड इव गई पद पानी सिर बरसे प्रभु निज कर कंजा व्रत उठाए करुणा पुंजा बोले कृपा निधान पुनी अति प्रसन्न मोहि जानी मांगो बर जोई भाव मन महादानी अनुमान सुनि प्रभु बचन जोर जुगपानी हरि धीरज बोले मृदुबानी नाथ दे के पद कमल तुम्हारे
पूजे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ो रमाई, सुगम अगम कह जाति सुनाई, तुम्हें देत अति सुगम सुख साई, अगम लागम निज कृपनाई। तथा दरिद्र विबुद रूपाई, बध बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, ताश प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानो अंतर जामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाय मागु निप मोही, मोरे नहीं अदे कछुते होई। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाद कहो सति भाव, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन कवन दुराऊ। देख प्रीत सुनि बचन मोले, एवं मस्त करुणा निधि बोले, आप सर से खोजो कह जाई, निपतव तन है ओभ में आई। सतरूपई बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर निप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, प्रभु परंत सुटी होती बिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी, असमझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु पया प्रवान पुनि सोई। हे निज भगत नाथ सब हई, जो सुख पावई जो गति लहई, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने हो, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमें कृपा कर दे हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माई, मैं सो दीन सब संशय नाई। मातु विवेक अलौकिक तोरे, तब हुन मिटे ही अनुग्रह मोरे, बंद चरण मनु कहऊ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। तुत विषयिक तव पद रति हो, मुई बड़ मूड कहे किन को, मनि बिनु फनि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुमई अधीना। अस भरु मांगी चरण गई रहो, एव मस्तु करुणा निधि कहो, अब तुम मम अनुशासन मान, बसो जाय सुरपति रजधानी, तह करि भोग विशाल, तात गए कछुकाल पुनी, होइयउ अवध भुआल, तब में होव तुम्हार सुत। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, इच्छामय नर बेक सवारे, जय सिया राम जय जय सिया राम, होइयउं प्रगट निकेत तुम्हारे, जय सिया राम जय जय सिया राम। अनसन सहित देह धरिताता, जय सिया राम जय जय सिया राम, करिहउं चरित भगत सुखदाता, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सुनि सादर नर बड़ भागी, जय सिया राम जय जय सिया राम, भव तरि हई ममता मद त्यागी, जय सिया राम जय जय सिया राम। आदि शक्ति जय जग उपजाया, जय सिया राम जय जय सिया राम, सो अवतरी मोरिय माया, जय सिया राम जय जय सिया राम। उरऊब में अभिलाख तुम्हारा, जय सिया राम जय जय सिया राम, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, जय सिया राम जय जय सिया राम। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, जय सिया राम जय जय सिया राम, अंतर धान भय भगवाना, जय सिया राम जय जय सिया राम। दंपति उर धरि भगत कृपाला, जय सिया राम जय जय सिया राम, तिहि आश्रम निवसे कछुकाला, जय सिया राम जय जय सिया राम। समय पाई तनु तजि अनयासा,
जय सिया राम जय जय सिया राम जाय की न अमरावती बासा जय सिया राम जय जय सिया राम यह इतिहास पुनीत यति मैं कही ब्रज के तू भरद्वाज सुनु अपर पुनी राम जन्म करहे यावर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय 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 सीताराम भरतमस्तु हे भगवान जय सियाराम। बहुत ही अच्छा सविनाथ जी, आज समय से 5 मिनट पहले खत्म कर दिया आपने। बहुत ही इतना ज्यादा था आज तो इनका, और काफी समय से पहले किया, बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। जय सियाराम, सबको प्रणाम। जय सियाराम। मैं एक्चुअली घड़ी बाद में देखा था, घड़ी में थोड़ा देर से देखा, नहीं तो मैं थोड़ा सा और इसको धीरे कर लेता। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जो भी आपने इतना बढ़िया था पाठ किया है, बहुत बड़ा आनंद है सुनकर। सबको जय श्री राम, सबको प्रणाम। मेरा गात है हम श्रावण मास। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, तो आज चतुर्थ दिवस है। आपको शायद सबको पता होगा, या हो सकता है उसको पता ना हो, हर मंगलवार को हम संक्षिप्त रामायण का पाठ करते हैं। हालांकि श्रावण मास हम नहीं करेंगे, क्योंकि श्रावण मास का पूरी रामायण का पाठ हो रहा है, तो उसमें आदरणीय चबीनाथ लाल जी नियमित पाठ करते हैं, और भी कई लोग करते हैं, तो उसमें आप अगर जुड़ना चाहें तो जस्ट सेंड मी मैसेज, आई विल ऐड यू टू दैट ग्रुप। और जिस भी मंगल को आप पाठ में भाग लेना चाहें, उस हिसाब से वी विल स्केड्यूल अगले महीने से, मतलब बादों के महीने से। सो दिस एक्टिविटी कंटिन्यूज। तो आज चौथे दिन का पाठ हो गया। बड़ा आनंददायक है, बड़ा मधुर पाठ। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच आदरणीय दीदी, हमारी बड़ी बड़ी आदरणीय दीदी हैं, बड़ा सम्मान है, और इनका बड़ा स्नेह है मुझ पर, तो विशेष करके मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, बड़ा प्रेम है और इनके बड़े आशीर्वाद हैं। तो डॉक्टर सरोज अग्रवाल इनका नाम है, परम सरोज दीदी कहते हैं, यहाँ डेटन ओहायो में ही रहती हैं, US में रहती हैं। तो इनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आज इन्होंने लाल साहब ने क्या पढ़ा उसकी थोड़ी हमें उसका ज्ञान दें, क्या आज कथा हुई, और फिर आगे इस कथा पर इनकी क्या विवेचना है, इनके क्या विचार हैं, ताकि हम इस कथा को आत्मसात कर सकें, समझ सकें। तो दीदी जय श्री राम, आपका स्वागत है। आज की मैं अपने इस मंच को, भगवान राम को, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगी, ये राम कथा इतना अगाध सागर है, इतना गाध सागर है कि डुबकी लगाना ही बड़ा मुश्किल है उसमें। मुक्ता तो लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पहले तो डर ही लगता है, डुबकी लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते ही है, क्योंकि अगर प्रयास करें तो शायद थोड़ा सा कुछ मिल जाए। हालांकि बहुत कम ही मिल पाया, समय के कारण भी और जो भी हो। तो हम जब ये शुरू, सबसे पहले मैं स्तुति करूंगी कि राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य श्री राम वरान ने। तो कहा है कि श्री राम जो है वो तो राम ही है, उनके समान तो कोई हो नहीं सकता, और वो एकदम इतनी वर्णनीय है, बहुत ही अवर्णनीय है। और कहा जाए कि उनका नाम तो इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना महान है कि सहस्र विष्णु नाम भी अगर जप लो तो भी कम हो जाएंगे, वो सहस्र नाम तत्तुल्य है। तो इस तरह से श्री राम बराने ने, उन्हीं श्री राम को मैं और हमारी पूरी सभा प्रणाम करती है, उन्हीं के उसमें हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरा आज का जो प्रसंग शुरू होता है, जहाँ पर कि सती की का विवाह हो जाता है, और जाम्बवन जो है वो उनको विदा करने आते हैं, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति है कि कोई भी, ये तो खैर बेटी का विवाह है, मगर कोई भी व्यक्ति आता है तो हम विदा करने जाते हैं द्वार तक। तो यहाँ तो उनकी पुत्री का विवाह था, तो वो यद्यपि उनको बहुत कहा था कि आशिव मंगल वेश है, ऐसे है वैसे है,
लेकिन उनके मन में कोई खटास नहीं थी और बड़े स्नेह से वो इनको विदा करने आए। बहुत क्षमा मांगते हैं शिव जी से कि अगर कुछ कमी रह गई हो, मेरी पुत्री में कमी हो तो क्षमा कीजिएगा, और बहुत प्रकार का दान दहेज भी दिया, जबकि शंकर जी को तो जरूरत नहीं थी वो तो बिल्कुल बिल्कुल ही कुछ धारण ही नहीं करते थे, तो उन्हें चाहिए क्या। लेकिन फिर भी जो मर्यादाएं होती है हमारी भारतीय संस्कृति में, उन मर्यादाओं का उन्होंने पालन किया और उनको इज्जत के साथ। तो कहते चले संग हेमवंत तब पहुंचा वन अतहेत, विविध भांति परितोष कर विदा कीन विषकेत। इस प्रकार अनेक प्रकार से उनको सांत्वना देते हुए, क्षमा मांगते हुए उनको जो है उन्होंने विदा किया। तो अब इसके बाद में शिव पार्वती आ जाते हैं और कार्तिकेय का जन्म होता है। कहानी कार्तिकेय की तो बहुत बड़ी है, लेकिन केवल मैं इतना ही बताऊंगी कि तारकासुर के नाश के कारण तारकासुर का बहुत अत्याचार बढ़ा हुआ था, जिसके कारण बहुत आवश्यक था कि शिव और पार्वती के संयोग से जो पुत्र होगा वो ही तारकासुर का नाश कर सकता है। और उसी के कारण इतना कामदेव वाला प्रसंग हुआ था, युद्ध शिव जी को लोभित, जिससे कि शिव की शादी हो और ये सब, तो वो प्रसंग सब आप लोगों को मालूम ही है। तो अब यहाँ पर शिव पार्वती आनंद पूर्वक अब रहती है। तो यहाँ पर अब कथा प्रारंभ होती है कि एक और याज्ञवल्क जी और भारद्वाज की कथा चलती है। भारद्वाज जी भी उनसे पिछले प्रसंग में पूछे थे कि ये मुझे आप समझा के कहिए कि ये वो ही राम है जो दशरथ के पुत्र है या अनंत अनादि जो कुछ है, आप बताइए मुझे इस बात की कौन है। तो याज्ञवल्क जी खुश होते हैं, वो कहते हैं कि मालूम तो आपको सब कुछ है, लेकिन आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। तो इस तरह से याज्ञवल्क जी भगवान राम की कथा कहते हैं उनसे। और उससे पहले वो शिव जी के, क्योंकि हमारे यहाँ पहले देवी देवताओं की जैसे गणपति जी की सब की आराधना की जाती है, ऐसे ही इन्होंने शंकर जी की आराधना की और उनके विषय में बहुत सुंदर वर्णन किया। और जो कि उन्होंने कहा कि शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, राम ही ते सपनों में सोहाए। वो कहते हैं सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं राम कथा तो शुरू करूंगा, पर सबसे पहले मैं शिव जी की आराधना करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि जिनके मन में शिव जी के प्रति नहीं है, राम उनको तनिक भी पसंद नहीं करते। और इस प्रकार से अब वो शिव जी का सुंदर चरित्र का वर्णन करते हैं। और ये याज्ञवल्क जी यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि भारद्वाज जी के मन में जो है राम के प्रति बहुत लालसा है। और फिर आगे वो कहते हैं कि फिर शिव जी को की राम कथा को शिव जी की कथा को राम कथा से जोड़ते हुए वे उस तत्व को जो शिव ने पार्वती को कहा था। तो इस तरह से कथा जो दुकूल हो जाती है, शिव एक तरफ शिव पार्वती की कथा आ जाती है और एक तरफ भरद्वाज जी और इनकी होती है, जो कि संक्षेप में रहती है, विस्तार रूप में शिव और पार्वती की कथा चलती है। और वो कहती है कि मैं तुमको अब उस पावन कथा को कहूंगा जो शिव और शिव ने पार्वती से कहा था। तो इस तरह से यहाँ पर एक तरह से याज्ञवल्क जी और इनकी कथा चलती है भरद्वाज जी की, और दूसरी ओर शिव और पार्वती की कथा चलती है। और तृतीय तो हमारे तुलसीदास बाबा जो है वो तो सुना ही रहे हैं, कथा को विस्तृत कर ही रहे हैं। तो फिर इस प्रकार याज्ञवल्क जी भारद्वाज जी को राम कथा की व्यापकता उत्कृष्टता वर्णित करते हैं और राम की महानता बतलाते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सरस्वती जी भी को उनकी सरस्वती जी को कठपुतली बतला दिया, इतना भावावेश में आ गए कि सरस्वती जी को कठपुतली बताया और बतलाया कि उनकी डोरी राम के हाथ में रहती है और जो कवियों के हृदय में उन सरस्वती जी को नचाया करते हैं। तो जो भी हो, खैर हम वो एक कहावत होती है ना, बिहारी कवि ने कहा है कि को कही सकन बड़े को बड़े इनको इन डालिए फूल, कि मतलब गुलाब को जो है कांटों के साथ लगाया तो हम बड़ों को तो कुछ नहीं कह सकते,
लेकिन हाँ मुझे ये चीज पसंद नहीं आई जो सरस्वती जी जिनकी हम इतनी वंदना करते हैं, वाग देवी वागीश्वरी जो सबको प्रेरणा देती हैं, उन सरस्वती जी को इसमें कठपुतली बताया, ये मुझे पसंद नहीं आया। बाकी तो शायद उन्होंने समझ के ही कहा होगा। तो और फिर उन्होंने अनेक प्रकार, फिर उन्होंने बताया कि शिव कहाँ बैठे हैं, तो कैलाश पे गए हैं और एक बरगद का वृक्ष है, वो बरगद का वृक्ष जिसमें जिसको वेद पुराण वेदों में भी जिसका वर्णन किया गया है, इतना सुंदर और बहुत सुंदर प्रकृति चित्रण किया है। अब यहाँ देखिए हम देखते हैं कि प्रकृति चित्रण जो पीछे ये है बर्फ है या ये सब है, ये प्रकृति चित्रण जो है स्वयं में एक प्रभु, बिना प्रकृति के ईश्वर का भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर जो है उसकी ही प्रतिछाया प्रकृति है। तो इसलिए ईश्वर ईश्वर जो है वो स्वयं ही प्रकृति है। और इस प्रकार से उन्होंने पांचों तत्वों को शिव जी के अंदर जो पांचों तत्व है प्रकृति के अंदर, उन तत्वों को शिव के अंदर समाहित कर दिया है। और इस प्रकार से उस वहां पर बैठाकर बरगद के वृक्ष के नीचे शिव बैठे हैं और माता पार्वती वहां पर आ जाती हैं। और जो और शिव ऐसा लगता है जैसे स्वयं शांत रस जो है स्वयं वहां पर आकर बैठा हुआ है, बहुत शांत बैठे हुए शिव जी। और अब माता पार्वती आती हैं तो एकदम और वो स्तुति करती हैं पर, और शिव जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अब माता पार्वती के मन में राम के प्रति जिज्ञासा है, कुतूहल है, लेकिन संशय नहीं है। जहाँ उनके बारे में जो पिछले जन्म में सती के रूप में संशय था, वो संशय नहीं है, कुतूहल है। तो भगवान शिव से पूछती हैं कि प्रभु यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं फिर जानना चाहूंगी कि तुम जो कहा राम को आना जय श्रुति गावे धरही मुनि गाना, तो क्या आप मुझे बताइए कि क्या राम कोई और है। तो जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता है, वक्ता मुनि है, रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, शेष सरस्वती वेद पुराण सभी श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और आप स्वयं कामारी लगातार निरंतर उनके ध्यान में लगे रहते हैं, तो वो क्या वो राम जो है वो राजा दशरथ के बेटे हैं या अजन्मा निर्गुण निराकार और अगोचर कोई अलग राम है। अब देखिए यही शंका भरद्वाज जी के मन में हुई थी, सेम शंका है जो शिव और पार्वती के रूप में उनका समाधान कराई गई है जिस शंका का। तो वो कहते हैं कि और वो राम जो दशरथ के पुत्र हैं, जो बनवन पत्नी के लिए भटके बावले होके भटके हुए थे, क्या वो राम और ये जिसको ब्रह्म अगोचर अनादि अव्यक्त कहा गया है, ये राम कोई और है। फिर उन्होंने इच्छा जागृत की कि अगर ये दशरथ के पुत्र राम है तो और अगर वो ब्रह्म है तो फिर राम के बारे में मुझे बतलाइए कि उनका जन्म है, बाल्यकाल है, उनका विवाह है, या फिर उसके बाद राज तिलक का तिरस्कार होना या छोड़ देना और उसके बाद बच जाना, राक्षसों को मारना, सीता हरण, ये सारी कहानी, मतलब लंका विजय करके लौट के आना, ये सब कहानी मुझे बतलाइए, वो ऐसा जानना चाहती हैं। अब इसके बाद में वो कहती हैं कि तब शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि और पति को क्या चाहिए, पत्नी जब उनसे आदर के साथ में कुछ वो करे तो पति तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो शिवजी जब भी वो प्रसन्न हो गए, अनुगामिनी पत्नी मिल गई थी, बहुत प्रसन्न थे। तो कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई भी उपकारी और कोई नहीं है। और फिर कहते हैं तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन प्रसन्न जगत हित लागे, तुमने जगत के हित के लिए जो प्रश्न किया है वो है। तो फिर कहते हैं कि फिर आगे वो बतलाते हैं कि राम, अब शिव बोलते हैं कि राम काम राम कथा को कामधेनु बताया और जो सब सुखों को देने वाली है, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, सत सत समाज सुरलोक सब कौन सुने अस जाने। वो राम वो ऐसे हैं जिसको बिना जाने हम
रह भी नहीं सकते हैं और जानना भी चाहते हैं, लेकिन जैसे अभी शुरू में जब होता है कि जैसे रज्जू और सर्प है कि हम इस संसार में रज्जू मतलब रस्सी को ही हम सर्प समझ लेते हैं सत्य, लेकिन जब हम भगवान की कृपा होती है हमारा मन के पट खुल जाते हैं तो हमें ये माया हमारे से हट जाती है और ईश्वर हमें विशुद्ध रूप में दिखाई देता है। ऐसा वर्णन जो है रज्जू और सर्प का उदाहरण देते हुए ये शिव जी जो है पार्वती जी को बताते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जिन्होंने राम की कथा हरि कथा जिन सुने नहीं गाना ब्रह्मरंद्र अहि भवन समाना, कि जिसने राम की कथा नहीं सुनी उनके कान तो सर्प के बिल के समान है। इस प्रकार से वो मतलब भगवान की हर तरह से स्तुति और तारीफ करते हैं। और साथ ही फिर वो कहते हैं रामधेनु को राम कथा को सुरधेनु समसेवत सब सुखदानी सत सबा सुरलोक सब पूर्ण सुने अजानी, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने बतलाया फिर कि राम कथा और भी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि राम कथा तो एक सुंदर ताली के समान है, हाथ की ताली जिसके बजाने मात्र से जैसे हम ताली बजाते हैं और आसपास के पक्षी उड़ जाते हैं उसी प्रकार से हमारे संशय रूपी सारे पक्षी जो उड़ जाते हैं। ये इसका वर्णन शायद मैंने पहले भी एक दोहे के रूप चौपाई के उसमें इस पंक्ति का मैंने वर्णन किया था। और कहते हैं कि ये भी कहते हैं कि विषय इंद्रियां इंद्रियों के देवता को भी उस चेतन जीवात्मा से ही प्रकाश प्राप्त होता है। विश्व और व्यवहार को उन्होंने फिर क्या ये पहले सांप और उससे रज्जू से लिया था, अभी उन्होंने सुक्ति और मोती उन्होंने शुक्ति मुक्ति न्याय के समान यानी वही शुक्ति मुक्ति जैसे होता है कि सीप में हम चांदी की आभास पाते हैं तो हम इसी प्रकार इस संसार को हम ऐसा समझते हैं कि यही सत्य है और वो शुक्ति मुक्ति न्याय और के द्वारा वो बताते हैं कि मनुष्य जीव यहाँ पर भ्रमित रहता है भटकता रहता है और मगर उसको एक राम कथा ऐसी है जो उसको इस भ्रम से दूर करती है। और उस ब्रह्म की मैं क्या तारीफ करूं हे पार्वती, वो जो तो वो तो बिना वह राम जो हमारे सामने राम के रूप में आया है वो बिना कानों के सुनता है बिना वाणी की का मधुर बकता है। बिनु पद चले सुनहि बिनु काना बिनु कर करे कर्म विधि नाना, तो ऐसा कहकर वो बताते हैं कि ऐसे राम वो निराकार भी हैं और साकार भी हैं। तो राम के विषय में वेदों पुराणों संतों दार्शनिकों एक एवं व्यवहारिक अव्यवहारिक अनेक उदाहरणों को बताने के पश्चात भी पार्वती जी का प्रश्न तो फिर भी वहीं का वहीं रह जाता है। वो फिर वही पूछती है कि प्रभु मुझे ये बताइए कि वो राम है कौन, क्या है वो जिसको आप निराकार परब्रह्म कहते हैं, वो फिर दशरथ का पुत्र कैसे है, ये सब बताते हैं पूछती है। अब शिव जी ने अब क्या करें, शिव जी बेचारे परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि अब उन्होंने इस कथा को काव्यसुंड और जो उत्तर कांड में है काव्यसुंड और गरुण जी के माध्यम से इस कथा को कहकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया करना चाहा और उन्होंने बताया कि अगुण ही सगुण ही नहीं कर चुके तो वो राम जो है सगुण भी है निर्गुण भी है। वो कहते अगुनी सगुनी नहीं कछु भेदा, उनमें कोई भेद नहीं है किसी प्रकार का। और गावा ही मुनि पुराण श्रुति बुद्ध भेदा अगुन अरूप अलग अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सु होई। और आगे कहते हैं कि जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। तो इस प्रकार हर तरह से कि वो जगत का प्रकाशक है और वो ज्ञान का भंडार है और वो दिखाने वाला है। इस प्रकार राम जी वो क्या है माया भी उसके अधीन आती है, वो मायाधीश है, वो माया तक भी उसको कुछ मोह सकती है। इस प्रकार से राम की उन्होंने आराधना की।
तो अब हम ये देखते हैं कि राम इसमें इस प्रकार से तुलसीदास ने भावना की डोरी लेकर शिव और याज्ञवल्क्य जी के माध्यम से राम की ध्वजा को पताका को फहरा दिया। पूरी तरह से शिव जी ने बहुत तरह से समझाया जो कि अब कहना मुश्किल कठिन है, तो इस तरह से उन्होंने बहुत किया। अब हम देखेंगे कि रामायण में राम के अवतार के कारण क्या हैं। तो सॉरी मुझे असल में कोरोना होके चुका है तो इसलिए मुझे थोड़ी खांसी आ रही है। तो अब वो कहते हैं कि रामायण में भगवान के तीन कारण है अवतरित होने के। तो एक कारण तो मनुष्यत्रुपा का था, जिन्होंने इतनी तपस्या की थी, बहुत अधिक तपस्या करी थी और भगवान को प्रसन्न किया था और विष्णु जी को भगवान को प्रसन्न किया था। और तब भगवान ने कहा था कि ठीक है मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, मैं तीन बार वचन लिए और तीन में हे माँ मेरे तीन वचन जो व्यर्थ न जाएंगे और आप इस प्रकार से आप निराश न हो, आप जाए और मैं समय आने पर आपके पास आऊंगा, आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। तो मनु जी ने यही मांगा था कि पुत्र रूप में, तो उन्होंने शत्रुपा से पूछा तो उन्होंने बड़े वाक चातुर्य से बोला मेरे पति ने जो कहा है मुझे वही तो पसंद है ना, आप वही करिए, क्योंकि वो तो खुद ही चाहती थी कि भगवान जी उनकी गोद में खेलें। तो इस प्रकार से एक कारण ये था। और फिर आगे दूसरा और कारण है कि और भी कारण थे, जो एक जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो राक्षस थे जो जिनको भगवान ने नृसिंह अवतार लेके और वराह अवतार लेके क्या, नृसिंह अवतार में उन्होंने उसको हिरण्यकश्यप को मारा और प्रहलाद को बचाया, और हिरण्याक्ष में वराह रूप धारण करके उन्होंने पृथ्वी को जल में से निकाला था, जबकि राक्षस ये लोग पृथ्वी को जल में ले गए थे। तो ये इस तरह से ये हुआ। एक एक कारण और था कि भगवान के दो पार्षद थे जय और विजय। तो एक उनको नारद जी ने शाप दिया था और वो जिसके कारण उनको राक्षस रूप में और तीन बार उनको राक्षस रूप में आना पड़ा। इतना कठिन ब्राह्मण सनत कुमारों सॉरी नारद जी का नहीं सनत कुमारों का शाप था और उनको तीन बार जो है राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा था। फिर एक और कारण रामायण ने जो बताया है कि जालंधर एक बहुत शक्तिशाली एक तरह से दैत्य कहिए, उसकी पत्नी जो थी वृंदा जो बहुत पति व्रता थी और उनके मतलब जब तक उनका पति व्रत है जब तक तब तक उसको कोई मार नहीं सकता था। तो देवता लोग जो थे बहुत परेशान हुए, ब्रह्मा जी से पूछा, तब शिव विष्णु भगवान ने छल से उसका सतीत्व भंग किया। कहानी बहुत बड़ी है, शॉर्ट बस इतना ही बता रही हूँ, सतीत्व भंग किया जिसके कारण जब उसको पता लगा तो उसने विष्णु को शाप दिया कि तुम नर रूप में जाकर होगे। और तो इस तरह से एक ये कहानी है। और फिर और नारद जी के शाप की तो सबको कहानी बहुत विस्तृत है ही कि एक बार नारद जी को बहुत अहंकार हो गया था, एक बार नारद जी ने तप किया था और काम मतलब कामदेव वगैरह को भी जीत लिया था, विमोहित नहीं हुए थे। उन्होंने जाके शंकर जी से कहा, शंकर जी ने कहा कि देखो मुझे तो तुमने बता दिया कि तुमने काम को जीत लिया, तुमने मतलब मोह को काम को जीत लिया, लेकिन तुम विष्णु जी से मत बताना। लेकिन नारद जी के तो पेट में मरोड़ उठ रही थी, वो गए विष्णु जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने काम को जीत लिया। विष्णु जी बोले बहुत खुश हुए। तो उसके बाद नारद जी चल दिए और एक बहुत सुंदर भगवान विष्णु ने माया से ना एक बहुत सुंदर रचना की जिसमें विश्व मोहिनी कन्या थी और शील निधि राजा थे। तो नारद जी वहां पहुंचे तो उनका
जन्म पत्री पूछी तो उन्होंने मनी मन ये देखा कि ये कन्या जो है इसका पति हमेशा अजय अमर रहेगा, तो उनके मन में आया कि मैं क्यों नहीं सब शादी करूं। और राजा को थोड़ा बताया और थोड़ा अपने मन में रखा। उधर से विष्णु जी आ रहे थे तो उनसे कहा कि क्यों ना मैं विष्णु जी से रूप मांग लूं, और विष्णु जी से रूप मांगा। और बाद में भगवान ने विष्णु जी ने तो जो रूप उनका बनाया था वो बनाया ही था, बंदर का रूप बनाया था। तो ये कहानी सभी को मालूम है शॉर्ट में बहुत। और फिर जब जय विजय ने उनको मतलब उन्हें काफी अपना सब कुछ का उछा के दिखा रहे थे कि मैं, लेकिन राजकुमारी ने इनके गले में जयमाला नहीं डाली। बाद में वो उनके गण जय विजय जो है वो ले जाके उनको शक्ल दिखाते हैं अग्नि में, और बंदर की शक्ल देख के शाप दे देते हैं। ये रावण के लिए है कि रावण को शाप दिया। वो दोनों जो थे रावण, बाद में रावण कुंभकर्ण बनते हैं और आगे जाके विष्णु भगवान मिलते हैं, उनको भी शाप दे देते हैं कि तुमने मेरा ये रूप बनाया है, ये रूप ही तुम्हारी सहायता करेगा। मैं पत्नी के रूप में पत्नी के लिए परेशान हूँ, आप भी पत्नी के लिए परेशान होंगे। और एक चीज उन्होंने कही थी कि मुझे मेरा ऐसा, इससे पहले कहा था कि जैसा मेरा रूप मांगने से पहले कहा था कि जैसा जैसा मेरा भला हो आप कीजिए। तो भगवान ने भी व्यंग रूप में कहा कि लाक्षणिक रूप में कहा, हाँ बिल्कुल मैं आप वही करूंगी जिसमें आप करूंगा, जिसमें आपका भला होता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ कहानी समाप्त होती है। और वही फिर जो भगवान जो है राम के रूप में आते हैं, और ये जय विजय जो है राक्षस के रूप में हो जाते हैं। अब इसके बाद में जब सबसे पता लगता है मायापुरी के हरण का, तो नारद जी बड़े पछताते हैं, बहुत पछताते हैं, और तब मतलब माफी मांगते हैं, बहुत क्षमा मांगते हैं। लेकिन अब हो क्या, जब चिड़िया चुग गए के तो भगवान ने उन्हें कहा कि जाओ तुम शंकर जी की स्तुति करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि रामायण में मतलब पूरा, क्योंकि वो समय था जब धर्म का नाश हो रहा था, मुस्लिम बहुत आक्रांत, हमारा देश उनसे आक्रांत हो रहा था ऐसे समय में। और धर्म तो फिर ये तुलसीदास एक इस रूप भक्ति भक्ति काल आ जाता है, और ये इस रूप में उभरते हैं कि एक तरह से हर एक में समन्वय दिखाया है, पारिवारिक समन्वय दिखाया है, धर्म और अधर्म का समय, शिव और उस समय शिव और शाक्त में भी थोड़ा झगड़ा चल रहा था, तो उनका भी मेल कराया, और इस तरह से बहुत मतलब सारे वो कराए उन्होंने। तो अब कहा कि आप जाओ और शंकर जी का उनके शतनाम की प्रार्थना करो। जपहु जाहु शंकर सतनामा, हो ही हृदय तुरंत मिले ही हृदय तुरंत विश्राम, तुम्हें तुरंत विश्राम मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि राम कथा जो है ऐसा बोला है ना, राम कथा एक सरोवर है जिसके चार घाट हैं। तो तीन घाट तो हो गए, शंकर पार्वती हो गए और याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी हो गए, काकभूषण जी गरुड़ जी हो गए, अब चौथा संभाला तुलसीदास जी ने। इस प्रकार से इसको पूरा करके उन्होंने पूरा किया। तो यही कहते हैं कि भगवान ने आखिर जन्म लिया क्यों था। तो यही था भगवान ने कि जब पृथ्वी गाय पृथ्वी और मनुष्य देव असुर सब लोग बहुत त्राही त्राही कर रहे थे, तो ऐसे समय में भगवान ने जन्म लेके इनकी रक्षा के लिए। तो कहते ना यदा यदा ही धर्म से हो ग्लानिर होती भारते अभ्युत्थान धर्म से संभवामि युगे युगे संभवामि तद तद आत्मनहम से जानमि हम, मैं अपने को बनाता हूँ इस प्रकार। और कहते हैं जब जब हो धर्म की हानि और पाप बढ़ जाता है तब लेते अवतार प्रभु, यह विश्व शांति पाता है। इस प्रकार हम याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज शिव पार्वती के प्रसंग से दार्शनिकता अध्यात्म के दर्शन पाते हैं। मनुष्यत्वरूपा का समर्पण था आत्मनिवेदन, भक्ति एवं प्रेम की पराकाष्ठा उभरती है किससे, मनुष्यत्वरूपा के आराधना से। तो और उनका वाद चातुर्य था जो उन्होंने जिस तरह से कहा, और प्रेम ही वह तत्व है जो एक दूसरे को बांधता है, स्वयं ईश्वर को भी जीत लेता है। वह चिदानंद है, निराकार होते हुए भी साकार दिखता है, तभी तो जगत जननी आदि शक्ति सम्भ
भी विमोहित हो गई थी उनसे। नारद जी का अहंकार पत्नी वाला आकर्षण कहीं का ना रहा, अभी तो भविष्य के लिए एक भयंकर संक्राम मचा गया। कामना, लालसा, मोह, घृणा एवं अहंकार मुंह चढ़कर बोलता है। ये सांसारिक चीजें पतन की ओर ले जाने वाले होते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य ऊंचाई की ओर जाने वाला है, न कि नीचे गिरना। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस पतन की ओर ले जाने वाले षड विकारों को त्याज्य बताया है। संसार में आने पर प्राणी, ज्ञानी से ज्ञानी प्राणी भी एक ना एक बार गलतियों का शिकार हो जाता है। कितना भी जड़ भगत की हम लोगों ने कहानी सुनी, बहुत सी कहानियां जिसमें विमोहित हो ही जाते हैं, फिर आराधना या साधना या सत्संग वगैरह से कहीं थोड़ा ऊंचा उठ पाते हैं। तो यही ज्ञानी नारद जी के साथ हुआ, वो विमोहित हुए और इसी तत्व के शिकार हो गए। यह नहीं जानती कि इसके बाद नारद जी का क्या हुआ, क्योंकि श्राप देने के बाद उनकी क्या गति हुई मुझे नहीं मालूम, किंतु उनके कारण भगवान को राम रूप लेकर अत्यंत कष्ट झेलने पड़े। अहंकार सर्वनाश का कारण बनता है। जैसे रावण का और न चाहने पर कुंभकर्ण का भी हुआ। आज विकास के इस युग में जब विज्ञान का बोलबाला है, एक और यदि विकास हो रहा है तो दूसरी ओर स्वच्छंदता भी पीछे पड़ी हुई है, जिसके कारण अनाचार बढ़ रहा है और मानव मूल्य का ह्रास भी हो रहा है। अहम का साम्राज्य छाया हुआ मोह का विस्तार है। ऐसे में हमें इन दुर्गुणों से तो बचना ही चाहिए। यह तो संभव नहीं कि पूर्ण रूपेण बच सकें, किंतु यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि किंचित भी सफलता मिले तो अहो भाग्य। जिसके लिए उत्तम चरित्रों यथा सुभाष, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, महान वैज्ञानिक एवं अन्य महान पुरुषों संतों के चरित्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने सद ग्रंथों की विशेषताओं को उनकी दृष्टि में लाना आवश्यक है, साथ ही अपने धर्म मर्यादाओं की रक्षा का पालन करना भी अति आवश्यक है, ताकि बच्चों का पद स्खलन न हो पाए। किशोरों में प्राय भटकन शीघ्र आ जाती है, उससे बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह सब इस प्रकार हो कि उनको यह भी न लगे कि उन पर लादा जा रहा है, थोपा जा रहा है और उनको बता भी दिया जाए। बाल्यकाल से ही यदि बालकों को ईश्वर का महत्व और उसकी विशेषता बताई जाए तो आस्था जड़ जमाने लगती है। लेकिन आजकल देखने में लगता है कि बच्चे बचपन में तो मानते हैं, बड़े होके थोड़े स्वतंत्र हो जाते हैं, तब ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ने लगता है, जो समय आने पर अपना रंग दिखाता है। सदाचार हमारे जीवन को मधुर बनाता है, सत्कर्म हमारा प्रारब्ध बनकर उभरते हैं, जो अगले जन्म का भाग्य बनते हैं। सो इनकी साधना करनी चाहिए, साथ ही आने वाली पीढ़ी को इन गुणों से बचाने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं बार बार के प्रयास से कुछ तो असर होगा ही, ईश्वर के प्रति आस्था कुछ तो बढ़ेगी, शायद सही मार्ग का पता भी पा जाए। तुलसीदास ने सच ही कहा है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। जय सिया राम। सरोज दीदी आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। सरोज जी आपको तो अच्छा बोलना ही था, तो अब उस पर क्या अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सरोज जी। स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद भी आपने इतनी अच्छी समीक्षा की आज, और कल जहाँ पर वहाँ पर समाप्त की और उसी थ्रेड से आगे हम बढ़े, तो आज सरोज दीदी ने हमें शिव पार्वती के विवाह के बाद में उनके आपस में संवाद, पार्वती जी की क्यूरियोसिटी और उसके बाद में
भगवान के अवतार के जो विविध हेतु हैं उसमें जो नारद अभिमान की बहुत बड़ी कथा है उस पर चर्चा की और बाद में संक्षेप में मनुष्य तो आज दोहा 102 से 152 यानी 50 दोहों पर चर्चा हुई है। तो बड़ा अत्यंत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, चूंकि इतना समय हो गया इसलिए मैं ज्यादा बोलना उचित नहीं समझता। वो कल 5वां दिन होगा, वो कल का समय बैक टू 9 PM इंडिया टाइम, पता ही कि यह समय का हमेशा दिन में गड़बड़ रहता है ब्रह्मा को, तो कल ध्यान रहे 9 बजे। और पूरे सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक समय 9 बजे भारत पे, 9 से 10:15, पहले 45 मिनट बाद और बाद में 20 मिनट चर्चा और कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे। और शनिवार रविवार को यही टाइम जो आज का टाइम है। और कल धर्मेंद्र गुप्ता जो मुंबई में वो पाठ करेंगे और आदरणीय सरोज दीदी चर्चा करेंगे। कल का दिन बहुत शुभ दिन है, सोमवार है, मानते हैं कि सोमवार तो शिव जी का दिन है। हालांकि मैं व्यक्तिगत ऐसा कुछ नहीं मानता, मैं मानता हूँ सारे दिन शिव जी के हैं, वो सारे दिन राम जी के हैं, अगर दिन उनके नहीं होते तो बनाते क्यों। तो चलो ऐसी आस्था है सोमवार की, तो चलो कोई बात नहीं। वैसे भी शिव जी का दिन, आप शिव जी का विवाह कल भाई प्रगट कपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी, तो कल भगवान प्रकट होंगे और धर्मेंद्र जी उसका वाचन करेंगे और आदरणीय सरोज दीदी उसकी चर्चा करेंगे। सो बस क्योंकि अब समय नहीं रहा किसी कमेंट का और प्रश्न उत्तर का, तो आज से आपकी मुझे आज्ञा हो तो मैं ही जय श्री राम। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ वसतो मा सद्गमय, तं सो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां व्रतगमय। ॐ शान्तिः शांति शांति।